हेलो दोस्तों, तो आज की हम लोग किस वीडियो में बात करने वाले हैं डाई मिचेल के सेंचुरी के बारे में। और दोस्तों, जिस सेंचुरी उन्होंने आज ओडीआई में लगाई थी बांग्लादेश के खिलाफ, वो आज के हम लोग वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको कैसे मार दे डाई मिचेल ने छक्के, वो भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि डाई मिचेल ने तो छक्के मार दिए थे, आपको वो वीडियो इसमें देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक सब देखिएगा, आपको इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डाई मिचेल के 50 के बारे में। तो डाई मिचेल का 50 चौके के साथ पूरा हुआ था और इनके इस 50 में कुल 62 गेंदें खेली थी और इनके इस 50 में कुल 4 चौके शामिल थे और इन्होंने अपना 50 बनाते वक्त एक लंबा छक्का भी मारा था। और अगर बात करें स्ट्राइक रेट की, जो कि डैन मिचेल का 50 बनाते वक्त था, तो वो था 82.54 का, जो कि दोस्तों अगर देखा जाए तो ओडीआई में थोड़ी सी ही सही लेकिन गंदी स्ट्राइक रेट मानी जाती है। तो दोस्तों, ये तो बात कर ली हमने डैन मिचेल के 50 के बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डैन मिचेल के शतक के बारे में। तो दोस्तों, डैन मिचेल का शतक बना था कुल 92 गेंदों में और इनके इस शतक में कुल 9 चौके शामिल थे और इनके इस शतक में कुल 2 छक्के शामिल थे। और अगर बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, डैन मिचेल की, जो कि उनका शतक बनाते वक्त था, तो वो था 108.70 का, जो कि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये स्ट्राइक रेट ओडीआई में एक नॉर्मल सी स्ट्राइक रेट मानी जाती है। ना ही ये स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी और ना ही ये स्ट्राइक रेट पूरी मानी जाएगी। तो ये तो बात कर ली हमने डैन मिचेल के शतक के बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डैन मिचेल के पूरे टोटल स्कोर के बारे में। तो दोस्तों, जो ही आपने डैन मिचेल के शतक के बारे में सुना था, वही डैन मिचेल का टोटल स्कोर दोस्तों सब कुछ सेम है, यहाँ तक कि बोले भी सेम है। 100 रन बनाए थे, 92 गेंदे थी, 9 चौके 2 छक्के मारे, स्ट्राइक रेट भी 108.70 का था। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि डैन मिचेल ने 49 ओवर पे शतक बनाया था 49 के आसपास और उसके बाद डैन मिचेल के पास इतनी ज़्यादा गेंदें नहीं आई थी। तो इसी कारण डैन मिचेल का भी सब कुछ सेम है और इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि डैन मिचेल आखिर तक नोट आउट रहे थे। तो ये तो बात कर ली हमने डैन मिचेल के शतक और टोटल स्कोर के बारे में। तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं, क्या डैन मिचेल का ये शतक काम आया न्यूजीलैंड को या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि डैन मिचेल के इस शतक से न्यूजीलैंड ने 318 का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और इसका न्यूजीलैंड ने मैच जीत गई और साथ ही साथ ये सीरीज को भी पूरा जीत लिया, यानी वाइट वॉश कर लिया था, तीनों की तीनों मैच जीत गई थी। तो ये तो बात कर ली हमने कि क्या डैन मिचेल का ये शतक काम आया था या नहीं उसके बारे में भी। तो मुझे लगता है मुझे जो आपको बताना था इस वीडियो में वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कैसे मारे डैन मिचेल ने वो तो बड़े बड़े छक्के। सॉरी दोस्तों, मैं आपको एक सिक्स दिखा नहीं सकता क्योंकि वो सिक्स मुझे मिलानी था इस कारण।